Student, welcome back to my online class. I am Rahul Rajput, your math teacher. And today, dear student, we are going to discuss about the convert year into month. Yes, year को कैसे हम month में convert करेंगे? आज के video में हम ये जानेंगे. Dear student, हमने time chapter में बहुत सारी चीजों को जाना. आवर को कैसे हम शो कर रहे हैं, मिनट को कैसे हम शो कर रहे हैं, मिनट हैंड जो है वो क्लॉक में वन राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम ले रहा है, ये भी हमने जाना. बहुत सारे टॉपिक पे हमने अच्छी तरीके से पकड़ बना ली है. उसी क्रम में एक बार फिर हम टाइम चैप्टर से ही रिलेटेड, थोड़ा सा डिफरेंट है, उस पर हम डिस्कस करते हैं ईयर को हम कैसे मंथ में कन्वर्ट करेंगे. उससे पहले मंथ को, ईयर को मंथ में कन्वर्ट करने से पहले कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसे हमें जानना ही होगा. जैसे वन ईयर में मंथ कितने होते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. वन ईयर में, वन ईयर में मंथ कितने होते हैं ये हमें जानना जरूरी है. वन ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ. वन मंथ में, वन ईयर में, एक साल में हमें 12 महीने देखने को मिलते हैं. और ये 12 महीना कौन सा है आपको मालूम है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. दिसंबर इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर. ये कौन सा मंथ चल रहा है? दिसंबर चल रहा है. और ये क्या है? लास्ट मंथ है किसका? इस साल का, जो 2020 है. तो ये 12 मंथ मेक ए कंप्लीट वन ईयर. टोटल 12 मंथ मेक ए कंप्लीट वन ईयर. सो वन ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ. ये हो गया. वन ईयर में कितने डे होते हैं ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. वन ईयर में कितने डे होते हैं ये भी हम जानेंगे, क्योंकि इसका भी हमें आगे यूज होगा, हमें आगे यूज करना पड़ेगा. तो वन ईयर इज इक्वल टू 365 डेज. ओके, वन ईयर इज इक्वल टू 365 डेज. अभी तो हमने मंथ को जाना है. तो वन ईयर में 12 मंथ होता है और हमने 12 मंथ का नाम भी आपको बता दिया. वन ईयर में अगर डे पूछा जाएगा तो वहां भी हम क्या करेंगे? 365. क्लियर है? 365. ओके, ओके. आई नाउ नेक्स्ट अगर हम देखते हैं इसी में, वन मंथ में डे कितने होते हैं? वन मंथ में डे कितने होते हैं? तो जनरली 30 डे को हम वन मंथ मानते हैं. किसी किसी मंथ में, कोई मंथ ऐसा है जो 28 डे का होता है, कोई ऐसा मंथ है जो 29 डे का होता है, कोई ऐसा मंथ है जो 30 डे का होता है, और कुछ ऐसे मंथ है जो 31 डे के भी होते हैं. लेकिन मोस्टली हम वन मंथ को 30 डे में ही मानते हैं. एवरेज लेते हैं तो 30 डे का ही वन मंथ होता है. कहीं हम डिस्कस करते हैं तो 30 डे को ही हम वन मंथ मान के चलते हैं. तो यहां भी हम वही करेंगे. वन मंथ इज इक्वल टू 30 डेज. ओके, वन मंथ इज इक्वल टू 30 डेज. एंड वन वीक को देख लेते हैं. वीक मीन्स होता है सप्ताह. एक हफ्ते को वन वीक कहते हैं. और वन वीक में कितने डे होते हैं? तो 7 डे होते हैं. यू नो वेरी वेल, वन वीक इज इक्वल टू 7 डेज. इज दैट क्लियर? यहां भी हमने 4 स्टेप्स को जाना है और उसी के अकॉर्डिंग हमें आगे के सारे क्वेश्चन को करने हैं. डियर स्टूडेंट, अभी हम आपको ये समराइज बता रहे हैं. कन्वर्ट करना अभी हमें सीखना है. अभी हम इस पे क्या कर रहे हैं? हाईलाइट कर रहे हैं. अभी हम टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं. ये हमारा फार्मूला, एक तरह से इसको मान सकते हैं, ये फार्मूला है. अभी हमें सवाल को, क्वेश्चन को सॉल्व करना ही है.
वन ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ, वन ईयर इज इक्वल टू 365 डेज, वन मंथ इज इक्वल टू 30 डेज एंड वन वीक इज इक्वल टू 7 डेज. इज दैट क्लियर? वन मोर, वन डे इज इक्वल टू आवर. अगर कितना होता है, अगर आवर में हम कन्वर्ट करना चाहे तो वन डे इज इक्वल टू 24 आवर. वन डे इज इक्वल टू 24 आवर्स. यहां पे क्लियर है? वन डे इज इक्वल टू 24 आवर. क्लियर? एंड वन आवर इज इक्वल टू 60 मिनट. वन आवर इज इक्वल टू 60 मिनट. एंड वन मिनट इज इक्वल टू, वेरी इजी, वन मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड. डियर स्टूडेंट, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये जितने भी स्ट्रक्चर में लिखा है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर, फाइव, सिक्स एंड सेवन, ये सेवन स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए. क्या? वन ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ये तरह से आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये आपको आगे के लाइफ में, आगे की पढ़ाई में बहुत बार, क्या, मेनी टाइम्स यू कैन यूज ऑल फॉर्मूलास इन आवर लाइफ, रेगुलर लाइफ, डेली लाइफ में इसको आप यूज करेंगे. इज इट क्लियर? आई एम रिपीट वंस अगेन, माइंड दिस. वन ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ, वन ईयर इज इक्वल टू 365 डेज. मंथ होगा 12, डे होगा 365. वन मंथ इज इक्वल टू 30 डेज. मोस्टली 30 डे का ही वन मंथ माना जाता है. क्लियर है? अभी हमने आपको बताया कि वन मंथ में 28 डे भी होता है, 29 डे भी होता है, 30 डे भी होता है एंड 31st डे भी होता है. लेकिन एवरेज में मोस्टली हम वन मंथ को 30 डे में ही मान के चलते हैं. ओके, वन वीक इज इक्वल टू 7 डेज, वन डे इज इक्वल टू 24 आवर. वन डे में 24 आवर होता है, 12 आवर डे माना जाता है और 12 आवर नाइट माना जाता है. अंडरस्टैंड? तो 24 आवर में के ए कंप्लीट वन डे. अंडरस्टैंड? ए कंप्लीट वन डे. एंड नाउ वन वीक 7 डेज, वन डे 24 आवर एंड वन आवर मेक ए 60 मिनट. 60 मिनट मेक ए वन आवर एंड डियर स्टूडेंट 60 सेकेंड मेक ए वन मिनट. ओके, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कन्वर्ट ईयर इनटू द मंथ. यस स्टूडेंट, कन्वर्ट ईयर इनटू मंथ. चलिए, ये आप सारे स्टेप्स को अच्छे तरीके से माइंड कर लिया है, अपने नोटबुक में इसको नोट भी कर सकते हैं ताकि आगे आपको इसका जरूरत पड़े तो आपको डाउट या कंफ्यूजन या प्रॉब्लम ना हो. ओके, तो आइए चलिए देखते हैं. अब हमारा जो बेसिक टॉपिक है जिस पे हम आज डिस्कस करने वाले थे उसको हम देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं. हमारा टॉपिक है कन्वर्ट ईयर इनटू द मंथ. कैसे हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसको हम फार्मूले को कैसे यूज करते हैं ये देखते हैं. हमारा क्वेश्चन है 5 ईयर. ओके, 5 ईयर को हमें मंथ में कन्वर्ट करना है. कितने मंथ होंगे 5 ईयर? डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपने अभी जो अभी मैंने टॉपिक पे डिस्कस किया है सारे फार्मूले को, जो 7 फार्मूले थे वो आपको बताया है, उसमें फर्स्ट फार्मूला ही आपका था. क्या क्या था? वन ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ. वन ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ, ये आपने भी आसानी से देखा है. 7 में सबसे पहले मैं उसी को लिखा था क्योंकि आज का हमारा टॉपिक जो है कन्वर्ट ईयर इनटू द मंथ, मंथ से ही रिलेटेड है, ईयर से ही रिलेटेड है. इसलिए हम क्या करेंगे, वन ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ. 12 मंथ मेक ए कंप्लीट वन ईयर.
ओके, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर मेक ए कंप्लीट वन ईयर. दिस मंथ इज द लास्ट मंथ ऑफ ईयर. द ईयर नेम इज 2020 का ये दिसंबर मंथ लास्ट मंथ है. ओके, सो डियर स्टूडेंट, वन ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ, यू नो वेरी वेल. देन आफ्टर, देयरफॉर 5 ईयर इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड 12 मंथ इज इक्वल टू 5 का टेबल हम 12 करेंगे या 12 का टेबल हम 5 में करेंगे, नो एनी कंफ्यूजन, नो एनी प्रॉब्लम. 12 का मंथ हम इसमें भी कर सकते हैं और इसमें भी कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं. 2 का टेबल अगर 3 में करेंगे, 2 3 जा भी 6 होगा, 3 2 जा भी 6 होगा. तो मल्टीप्लाई में ये बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए. क्या कर रहे हैं, दोनों डिजिट को इसका इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तभी वही आएगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तभी वही आएगा. यानी 12 5 जा 60 एंड 5 12 जा 60 आल्सो. इज इट क्लियर? तो क्या हो गया, 60 मंथ. अगर आपको टेबल इस डायरेक्ट आप नहीं कर पा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे 12 मल्टीप्लाई 5 टू जा 10 0 1 कैरी 5 टू जा 5 एंड 1 6. ओके, हमने यहाँ पे क्या पाया, ये हमारा 60 हो गया, 60 मंथ. अब हम यहाँ पे क्या फिल करेंगे, 60 मंथ फिल करेंगे. ओके, 5 ईयर इज इक्वल टू 60 मंथ बिकॉज 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ. इज इट क्लियर टू एवरीवन? डियर स्टूडेंट, आई एम रिपीट वंस अगेन इन दिस क्वेश्चन, एवरीबडी लिसन केयरफुली एंड लुक एट द राइटिंग बोर्ड वंस अगेन. Our question says 5 year is equal to what month? 5 साल में कितने महीने होंगे ये हमें जानना है. That's it. क्या हुआ? 1 year, you know, 1 year is equal to 12 month. Is it clear? 12 month complete 1 year. 12 महीने मिलते हैं तो 1 साल होता है, यानी 1 साल में 12 महीने होते हैं. Clear सभी को? तो 5 year is equal to 5 multiply 12. 12 5 या 60 या 5 12 या 60, तो हमारा क्या हो गया, 60 मंथ आ गया. चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं. क्या लेते हैं, 9 ईयर. ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया, 9 ईयर. ओके, 9 ईयर में कितने मंथ होंगे ये हमें जानना है. तो सीधा सीधा करना है, हमें मालूम है 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ. ओके, 12 मंथ, देयरफॉर 9 ईयर इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 12 मंथ. ओके, 9 मल्टीप्लाई 12 9 जा 108, 12 9 जा 108, आसानी से हम लिख देंगे 108 मंथ. कैसे, तो देखिए 12 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे, 9 टू 18 1 कैरी एंड 9 में 9 प्लस 1 10, नाउ वी गेट 108 मंथ. आसान है, कैसे कर रहे हैं, बिल्कुल आसान है, आप इसे बहुत ही क्विक टाइम में इसको सॉल्व कर सकते हैं, लगा सकते हैं, जान सकते हैं कि 1 मंथ में कितने ईयर है ये आपको मालूम है. तो आप कोई भी डिजिट हो, कितना भी साल दिया हो, आप आसानी से निकाल सकते हैं. जैसे अभी हमने मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर रहे थे तो 1000 का मल्टीप्लाई कर रहे थे, उसी तरीके से यहाँ पे हम ईयर को मंथ में जानेंगे तो 12 का मल्टीप्लाई करेंगे. किसका? 12 का. तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपने ईयर को कैसे मंथ में कन्वर्ट करना है ये बहुत अच्छी तरीके से जान लिया है. कल के वीडियो में हम क्या जानेंगे, नेक्स्ट हमारी वीडियो होगा, नेक्स्ट हमारा जो क्लास होगा उसमें हम ईयर को डे ईयर को मंथ में नहीं, मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना सीखेंगे. तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय.